जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ भगवान श्री राम की कृपा आप पर बरस रही होगी। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइबर की मुझे बहुत ज़रूरत है। और आज का टॉपिक बहुत ख़ास है। आज मैं आपको बता रही हूँ, दूध रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। इससे आपका कौन सा ग्रह मजबूत होगा, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मित्रों, मैं 23-24 साल से ज्योतिष पर काम कर रही हूँ। ज्योतिष ही हूँ मैं और आपकी सेवा को तत्पर हूँ। तो ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा चैनल है डॉक्टर उमाश्री, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और बेल बटन भी दबा दीजिए। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, ये तो आपने कहावत सुनी होगी, लेकिन इससे भी अहम होती है अब दूध रोटी खाते हैं। गांव के लोग दूध रोटी या छाछ में डूबी हुई रोटी खाते हैं और इनसे कभी भी इनको हेल्थ संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अक्सर इससे तात्पर्य है कि सादगी में बहुत दम होता है, सादगी में बहुत ताकत होती है। जो लोग सादा जीवन और उच्च विचार रखते हैं वो कभी भी पराजित नहीं होते। लेकिन दूध में ऐसी खास क्या बात होती है या छाछ में ऐसी क्या बात होती है कि हमारे किस ग्रह को ये अच्छा करती है, आज के वीडियो में यही बताने वाली हूँ। मित्रों, दूध जो है चंद्रमा की वस्तु है। इसी प्रकार से शुक्र का आधिपत्य भी इस पर बना रहता है। दही और छाछ भी इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो आपको चंद्रमा और शुक्र राजयोग दे सकते हैं अगर आप इनका नियमित सेवन करते हैं। और उसमें रोटी अगर रात की मिलाई जाए, बासी रोटी अगर रात की मिलाई जाए, तो आपका मंगल और सूर्य भी आपको अच्छे परिणाम देते हैं। तो ये कितनी खास बात है। और ये जानकारी आपको मैं प्रेषित करते हुए हर्षित हो रही हूँ कि हमें इतनी अनमोल जानकारी हमारे पूर्वजों के द्वारा प्राप्त हुई है, जो हमारी धरोहर है। और दूध रोटी खाना बहुत अच्छा होता है। और दूध में अगर रोटी को चूर लिया जाए, मतलब मैश किया जाए, तो उसकी ताकत और कई गुना बढ़ जाती है। तो दूध रोटी खाइए और अपने ग्रहों को अच्छा करिए। सूर्य को अच्छा करिए, चंद्रमा को अच्छा करिए, शुक्र को अच्छा करिए, मंगल को अच्छा करिए। ये सब एनर्जी वाले ग्रह हैं, स्वाभिमान वाले ग्रह हैं, मानसिक भावनाओं को क्रिएट करते हैं और साहस पैदा करते हैं। तो ये कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। बच्चे, बूढ़े, युवा, हर किसी के पोषक तत्वों की वृद्धि होती है जब आप दूध रोटी खाते हैं, छाछ रोटी खाते हैं। और अगर उसमें घी भी डाल देते हैं तो बहुत ही उत्तम होता है। हालांकि रोटी पे घी ऑलरेडी लगा रहता है, शुद्ध घी, तो मैश करने के साथ साथ ही वो पोषकता से भरपूर हो जाती है। तो दूध रोटी खाइए, छाछ रोटी खाइए, दही रोटी खाइए, ये पोषक तत्वों की खान है और ये आपका जीवन दीर्घायु करती है, डाइजेशन को दुरुस्त रखती है। गर्मी में आप नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध और दही ले सकते हैं, मतलब फ्रिज में रखा हुआ दही भी ले सकते हैं और छाछ भी ले सकते हैं। लेकिन अपनी अपनी बॉडी होती है, अपना अपना स्वभाव होता है, स्वास्थ्य होता है, तो उसके अनुसार ही आपको ये डोज लेनी चाहिए, मतलब दूध रोटी खानी चाहिए या छाछ रोटी खानी चाहिए या दही रोटी खानी चाहिए। मैदा सा बना हुआ ब्रेड खाना बहुत ही नुकसानदेह होता है। हालांकि आजकल आटा ब्रेड भी आती है और वो कोई कम नुकसान करती है, लेकिन ब्रेड बटर खाने के बजाय हमें दूध रोटी खानी चाहिए और पोषक तत्वों की वृद्धि करनी चाहिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अवश्य ही बताना। और सफ़ेद चीनी का प्रयोग मत करना, सफ़ेद चीनी बहुत नुकसान करती है। इसकी बजाय मिश्री डालने से चंद्रमा की बम्पर डोज आपको मिलेगी, क्योंकि मिश्री भी चंद्रमा की वस्तु है। और मिश्री खाने से हमें हमारा चंद्रमा बलि होता है। और घी खाने से
हमारा बृहस्पति अच्छा होता है, क्योंकि तेल तो शनि का पदार्थ है और घी बृहस्पति का अधिकार क्षेत्र में आता है। तो कितनी सुंदर बात है और कितनी सुंदर ग्रहीय संरचना है जो हमारे पूर्वजों ने खान पान के ज़रिए हमारे लिए नापी थी और व्याप्त की थी। तो इन पदार्थों का सेवन करें और आपने सूर्य, चंद्रमा और शुक्र, मंगल और बृहस्पति को अच्छा करें। ये शुभ ग्रह हैं, पूर्ण फल देते हैं। हालांकि मंगल और सूर्य पाप ग्रह हैं, लेकिन जिनके लग्नेश होते हैं उनको तो शुभ परिणाम देते हैं, उनके कभी भी नुकसान नहीं करते किसी भी क्षेत्र में। तो आप ये चीज़ें खाइए और अपने ग्रहों की डोज बढ़ाइए, अपने साहस में वृद्धि कीजिए। मंगल साहस देता है, चंद्रमा मनोभावना देता है और सूर्य आत्मबल देता है, शुक्र रोमांस देता है, प्रेम की भावना देता है और बृहस्पति सात्विकता देता है, धार्मिकता देता है, तो ज्ञान देता है। तो ये प्लैनेट्स हमारे कितने भलाई करते हैं और हम इनकी रुतबा जानते ही नहीं हैं, हम इनकी महत्व नहीं जानते। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम ज़रूर लिखिए। हमारे आराध्य राम का नाम लेते हैं तो हमारे सब काम सिद्ध हो जाते हैं, इतना पावन है भगवान श्री राम का नाम। आप अपनी कुंडली का परामर्श भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू मुझसे संपर्क करिए। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजना ज़रूरी है। इसके अलावा दिन में जन्म हुआ है, रात में जन्म हुआ है, ये भी मेंशन ज़रूर करें। आप ये सही जानकारी देंगे तो आपकी कुंडली बन पाएगी सही और मैं सही प्रेडिक्शन कर पाऊँगी। मैं एक यूट्यूबर हूं और 4000 से भी ज़्यादा मैंने वीडियो बनाए हैं, टॉपिक बनाए हैं। अगर आपको ज्योतिष और वास्तु में इंटरेस्ट है तो मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और टाइप कीजिए डॉक्टर उमाश्री, मेरी 4000 से भी ज़्यादा वीडियो आपके सामने आ जाएगी। आप उनको देख के आनंदित होइए। बहुत से अनेक विषयों पर मैंने वीडियो बनाई है। मित्रों, मैं रेकी हीलर भी हूँ, लामा फेरा भी मेरे परिवार में की जाती है। तो लामा फेरा के पांच सेशन हम करते हैं और अगर आपके परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब है तो आप ये सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी कुंडली नहीं है, आपको अपने डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है, तो आप पाम रीडिंग करवा सकते हैं, अपनी हस्तरेखा की जाँच करवा सकते हैं, आपके मकान का भी नक्शा भेज सकते हैं। ये सर्विस मित्रों चार्जेबल होती है, लेकिन मैं नॉमिनल चार्जेस लेती हूँ, आप पे कोई बर्डन नहीं पड़ेगा। चार्जेस जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी की थ्रू मुझसे संपर्क करिए। मैं 23-24 वर्ष से ज्योतिष पर काम कर रही हूँ और लाखों लोगों को मुझसे लाभ हुआ है। प्रेडिक्शन मैंने इतने अच्छे दिए हैं तो लाखों लोगों को लाभ हुआ है, तो आपको भी लाभ होगा, तो तुरंत संपर्क करिए। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।